टाइम मैनेजमेंट नहीं होती वहां, तो ये होता है पाकिस्तान में भी आप तो कहीं भी चले जाओ और वहां जाके आप आराम से जाके आप अपने गली मोहल्लों में भी जो है वो पॉलर्स बने हुए होते हैं, तो आप वहां से भी अपनी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो बस मैं थोड़ी सी ट्रीटमेंट करी थी, मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूंगी। बेल्ट मैंने अपना लगा लिया है यहाँ छोटी बेबी मैं यहाँ बन गई हूँ, जो लोग मुझे प्यार कर। अच्छा जी, यहाँ देखें सामान सारा रखा हुआ है, और ये जो मेरी प्याली है वो मैंने इसी मकसद के लिए रखी हुई है, इसमें मैं खाना नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरा ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। मैंने कहा मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि हम खाने पीने की चीज़ों में जो है वो अपना ब्यूटी का जो सारा सामान है वो हम यूज़ करें, तो इसलिए मैं डिस्पोजेबल यूज़ करती हूँ। और क्योंकि जो मैंने स्टफ़ मंगवाया हुआ है अपना इन सब चीज़ों के लिए, उसको थोड़ा देर लग रही है आने में ना, नून से ऑर्डर करती हूँ मैं सारी चीज़ें। अच्छा, ये सारा सामान है जो आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्लिंजिंग करूँगी, और क्लिंजिंग में मैं सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करूँगी। मिल्क, आप कोई सा भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ये मिल्क है। और अगर आप कच्चा दूध यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा है, अगर आप कच्चा दूध ये नहीं यूज़ कर सकते तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। ये लो फैट मिल्क है, इसको मैंने ले लिया है। सिर्फ खाली मिल्क से भी क्लिंजिंग की जा सकती है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा हर्बल भी और थोड़ा सा जो है वो जो कंपनी वाइज है वो चीज़ भी मेरी सामने रखी हुई, आप देख रहे होंगे सैनिटाइज, वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन ब्रांड है ये। अच्छा, इसके अंदर मैंने एलोवेरा कर लिया। एलोवेरा जो होता है वो आपकी स्किन के जितने भी दाग धब्बे हैं इसको दूर करता है, आपके जो पोर्स हैं उनको हील करता है और पोर्स को बंद करता है। एलोवेरा बहुत ज़बरदस्त, अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा है तो इट्स टू गुड, इट्स वेरी वेरी गुड। अगर नहीं है तो फिर आप इस तरीके से कोई सा भी एलोवेरा ले सकते हैं। और ये मैंने मंगवाया था ओरिजिनली, ये एलो 92% वाटर सूदिंग, तो मैं अपनी हर चीज़ में एलोवेरा ज़रूर यूज़ करती हूँ। जितने भी बड़े व्लॉगर्स हैं तो वो भी सब इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये क्लिंजिंग हो गई मेरी, उसके बाद ये थोड़ा सा स्क्रब है। ये क्या है, ये टमाटर है, और टमाटर जो है उसके साथ चीनी है, तो चीनी में मैंने इसको सोक करके रख लिया। और उसके बाद ये एंटी एजिंग होता है, आपके जो बाल हैं चेहरे के उसको ब्राउन भी करता है, और जितना भी गंद मैल आपकी जो चेहरे पे डेड सेल्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव करता है। अच्छा, साथ में क्या है, ये सेंट आइस के जो है स्क्रब है, और ये एवोकाडो एंड हनी स्क्रब है, और एक जो है मास्क है। अच्छा, ये स्क्रब और मास्क भी है, इससे स्क्रब भी कर सकते हैं मास्क भी करता है। ओट मील आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, बहुत से लोग दूध में भी डाल के इसका जो है मास्क बनाते हैं, लेकिन मैंने सैनिटाइज का यूज़ करती हूँ। और ये 100% नेचुरल होता है, और इस एवोकाडो है, तो एवोकाडो आपको पता है बालों और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है एवोकाडो, तो प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं हो एवोकाडो की तो माजरत। तो ये चीज़ जो है ये मैं यूज़ करती हूँ, इससे बहुत अच्छी सॉफ्ट स्किन हो जाती है। उसके बाद मैं मास्क ये लगाती हूँ, तो ये मेरा पूरा एक घर में हेल्दी सा स्किन केयर हो जाता है। और चलें फिर करते हैं, साथ रहिएगा और स्किप नहीं करना है, और पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, वरना नाराज़ हो जाऊँगी मैं। अच्छा जी, तो हमने जो ये बनाया था, जो मैंने आपको दिखाया था मिल्क और एलोवेरा का, तो इसको हम अप्लाई करते हैं, साथ रहिएगा। और जो चैनल मेरे चैनल पे न्यू है उनको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि 1000 का टारगेट आप लोगों ने मुझे अचीव करवाना है, फिर आपको अच्छी 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 रेमेडीज़ मिलती रहेंगी। ये मैं बहुत सारे लोगों को देखकर ऑब्जर्व करके जो है ना ये चीज़ करती हूँ। अच्छा चलें, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, सही है। मैंने ऊपर बेल्ट पहन लिया ताकि बाल कम से कम आए, लेकिन फिर भी आ रहे। तो ये इस तरीके से आप मसाज देख लें, जितना मैंने पॉलर वालियों से सीखा है ना मसाज, इतना है, इतना मुझे आता है। यूं यूं यूं। अच्छा, हमेशा जो है वो अपवर्ड आप चेहरे को करें, कभी भी डाउनवर्ड ना करें, हमेशा अपवर्ड करें। तो इस अपवर्ड से ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका होता है, और जितना आपकी स्किन थोड़ी सी सैगी सैगी सी होती है, जैसे मेरा जो है फेस बल्की है, तो उसकी वो टोन अप होता है। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको जो जेड रोलर होता है ना, उसका पूरा मसाज करना सिखाऊंगी। गौशा भी होता है जिसमें ये चिट्स पर्पल रेड और ग्रीन कलर की जो लाइट्स होती हैं, इंशाल्लाह मैंने नून पे देख लिया है, तो वो नून पे मैं ऑर्डर करूंगी नून से, तो फिर इंशाल्लाह वो भी रिव्यू करूंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ बने रहना है, ओके। ये देखें,
तो अब इसको मैं 10 मिनट्स छोड़ूंगी, फिर जो ये हमारा है टमाटर के जो मैंने शुगर में डिप करके रखा हुआ है, इसको मैं रब करूंगी इसी कंडीशन में, वॉश नहीं करूंगी मैं। अच्छा जी, ये मैं टमाटर ले लिया है, टमाटर में है शुगर डिप हुई हुई है, तो और इसको आपने इस तरीके से अपने चेहरे पे मसाज करना है। टमाटर में ब्लीचिंग एजेंट होता है और थोड़ा सा ना आपको मतलब ये जस्ट लाइक थोड़ी मिर्ची भी लगेंगी टमाटर से, बस ये है कि अभी शुगर जो है वो मेल्ट हो गई, शुगर मेल्ट नहीं होनी चाहिए। जब आप यूज़ करें तो उसको फौरन शुगर में डिप करके जब शुगर के दाने होंगे ना उसी को ही रब करना है चेहरे पे। माशाल्लाह, जब ये कि मैं जब शेयर करती हूँ ना तो मेरी स्किन की भी केयर हो जाती है, वरना बच्चे के साथ और घर की रूटीन और यहाँ कोई। मैंने अच्छी तरीके से टमाटर को रब कर लिया अपने फेस पर, एज यू कैन सी। आप देख लें, देख सकते हैं ये, ठीक है। तो बस अब ये मैं इसको 5 मिनट्स छोड़ूंगी। जो भी स्किन का मसाज है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ नहीं। अच्छा जी, मैं 10 मिनट्स हो गए हैं और ये मैं वाइप ले आई हूँ। अब मैं इससे अपना चेहरा जो है वो साफ कर रही हूँ। ये फेशियल वाइप है। मेल चलो अब नेक्स्ट स्टेप है ये सेंट आइस का। इसको प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो सेंट आइस बोले हैं कभी, मैं इसको सेंट आइस ही आई थिंक। तो ये सॉफ्ट स्किन स्क्रब एवोकाडो एंड हनी, तो इसके अंदर ये मौजूद है हर चीज रियल, और इट इज़ प्योर नेचुरल, 100% नेचुरल है ये। जब इसके थोड़े प्राइस हाई होते हैं पाकिस्तान में भी तकरीबन ये 1000-1200 तक का मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ये होता है 20 रियाल का, 15 रियाल का होता है ये, तो तकरीबन इतने का हो जाए मिल जाएगा। तो स्किन की जो एज है ना उसको बढ़ाता है। तो बस ये है कि थोड़ा सा मैं और मसाज कर लेती हूँ ये एवोकाडो और हनी का जो मैंने लगाया था। और जब भी मैं ये काम करती हूँ मैं वाला ड्रेस पहनती हूँ इसलिए, क्योंकि ये ड्रेस जो है ना ये ईजिली वॉश हो जाता है और ये मेरा यूनिफॉर्म है क्योंकि इससे पहले भी मैंने जब एस्टेक हीलिंग के लिए का बनाया था ना तो मैंने यही वाला ड्रेस पहना था, और ये बहुत सॉफ्ट है, इसका कपड़ा इतना अच्छा है सिल्क, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं बहुत पहनती हूँ। यहाँ गर्मी बहुत होती है ना, सर्दियाँ भी गर्मी है। चलो मैं वॉश करके आती हूँ इसको। अच्छा जी, वॉश करके मैं आ गई हूँ। दिस इज़ कॉल्ड माई स्किन। तो थोड़ा सा देखिए ये रैश पड़ गया, नहीं नहीं ये आई थिंक पिंपल है पुराना, तो मेरे चेहरे पे पिंपल भी हो रहे। इतनी देर तक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, देखो इतनी मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में ना। अच्छा तो क्या हुआ है कि मैं अपना फेस वॉश करके आ गई थी, उसके बाद मैंने अपना जेंटल स्मूथ सेंट आईज
और स्क्रब एंड मास्क ओटमील, ये मैंने यूज़ किया। ओटमील बहुत अपनी चेहरे के लिए अच्छा होता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर आपके पास अगर सिर्फ ऐसी घर में ही ओट्स रखे हुए तो आप उसको मिल्क में डबो के, मतलब थोड़ा देर आप मिल्क में डबो के रखें उसको और उसके बाद उसकी क्लिंजिंग करें आप, तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी और जितने भी डेड सेल्स हैं आपको रिमूव हो जाएंगे। डेड सेल्स रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है ये, तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। अब इसको जो है वो स्क्रब नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत अपने चेहरे को स्क्रब कर चुकी हूँ, ऐसा ना हो कि पिम्पल्स आ जाएँ। तो बस ये मैंने थोड़ा सा लिया है और लेने के बाद जो है वो मैं जेंटल हाथों से बिल्कुल इवनली इसको अप्लाई कर रही हूँ और मैं तकरीबन 10 मिनट्स इसको छोड़ दूंगी। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और इसके जितनी भी इसकी खसूसियत है, प्रॉपर्टीज़ है, वो मेरी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी और उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। ये मेरा आज का स्किन केयर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शफक्स डायरी को पसंद करें और ऐसे ही अपने और भी फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स हैं आपके, जो फ्रेंड्स हैं फैमिलीज़ हैं उनमें शेयर करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो और मुझे अच्छा लगे कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो ये देखें इस तरीके से मैंने, आप स्किन हाथों का भी इस तरीके से कर सकते हैं। इवनली अप्लाई कर लिया है मैंने टोटल इसको। चलें तो फिर 10 मिनट बाद मिलते हैं। टिक 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 टिक। अच्छा जी, आई एम बैक, वीडियो बन रही है। अच्छा तो ये मैंने अप्लाई करके 15 मिनट्स बाद, हमेशा न्यू वाइप यूज करें, रीयूज बिल्कुल नहीं करें क्योंकि उसमें जितना भी गंध होगा आप वो वापस लग जाएगा। और फेशियल वाइप्स बहुत अच्छे होते हैं, उसको ज़रूर लेके रखें। मेकअप रिमूवर भी होते हैं वो साथ साथ, और आप इस तरीके से जो काम करते हैं उसमें भी काफ़ी काम आता है, बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बात, तो फिर ट्रिप पे चल रहे हैं ना आप लोग, सारे व्लॉग्स देखने, साथ रहना है इंशाल्लाह, बहुत मजा आने वाला है। मैं फेस वॉश करके आती हूँ। अच्छा जी, फुल प्रिपरेशन आप लोगों के सामने है और तैयार श्यार भी हो गए हम, के भाई हमने कहा चलो यार तैयार श्यार होके भी दिखा दें। तो ये है लुक और स्किन, आप देख सकते हैं क्लीन एंड क्लियर। यहाँ रोशनी पड़ रही होगी तो चलो मैं यहाँ से दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ जो है ये देखें। इंशाल्लाह डार्क सर्कल्स के लिए भी कुछ करेंगे क्योंकि डार्क सर्कल्स एक मेजर इशू है, हर लेडी का मेजर इशू है डार्क सर्कल्स। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी बहुत जल्द मैं पहले इन्वेस्टिगेशन कर लूँ, रिसर्चेस कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आती हूँ वो भी। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शफक्स डायरी को आपने आगे बढ़ाना है। आप मेरी आर्मी हैं, आप मेरे मेम्बर्स हैं और मैं आप लोगों के लिए मेहनत भी करती हूँ, तो साथ बने रहना है और हमेशा इस तरीके से प्यार करना है। और ज़रूर अपने आप का ख्याल रखें क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं। तो बस आज तक के लिए इतना ही और अब शायद मैं इसके बाद अपनी शॉपिंग दिखाऊं क्योंकि हम शॉपिंग पे जाने वाले हैं, तो देखें अब क्या होता है। तो साथ बने रहिएगा ऐसे। अल्लाह हाफिज़।